हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैन कोड। तो स्वागत करते हैं आज के कमाल के दोस्त साथ। आज के वीडियो में बात कर लेंगे, रिसेंटली में आपने जो देखा होगा मनोज दे की चैनल के ऊपर तीन चार जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक लग चुके हैं, और ये वाले जो स्ट्राइक जो जल्दी रिमूव नहीं हो गए तो मनोज दे का यूट्यूब चैनल है जो यूट्यूब से गायब हो जाएगा। इसका रीज़न भी बता दूंगा, और मेरे बहुत सारे जो ऐसे क्रिएटर है इनको मालूम ही नहीं है फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देते हैं। इस वाले वीडियो में आपको पूरा मेथड बता दूंगा फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देते हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो सिर्फ मैं जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप जो किसी भी चैनल के ऊपर जो आप इसको तरीके को ट्राई मत करिएगा, आपको इसके ऊपर जो लीगल नोटिस भी मिल सकता है आप जो इस वाली जो चीज़ को ट्राई कर लेंगे। तो बाकी सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ मनोज दे के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ये स्ट्राइक क्यों लगे। रिसेंटली में मनोज दे ने अपने जो ट्विटर हैंडल के थ्रू जो यूट्यूब टीम को ट्वीट कर लिया था, बहुत सारे जो ऐसे क्रिएटर है जो पेड मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो जो भी क्रिएटर जो पेड मोनेटाइजेशन करते हैं उनके जो कम्युनिटी ने मिलके ये ग्रुप बनाया है, और उसी ग्रुप के थ्रू जो इसको जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी दिए हैं, और इसके जो सारे के सारे जो YouTube वीडियो को रिपोर्ट भी मार दिए है। इसी वजह से मनोज दे का YouTube चैनल है जो 7 दिनों के अंदर जो उसका जो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक जल्दी से रिमूव नहीं हुआ तो डिलीट होने वाला है, पूरा YouTube से गायब होने वाला है। इसका जो मैं आपको पूरा ग्रुप का प्रूफ भी दिखा दूंगा, और रिसेंटली में जो मनोज दे ने अपने जो इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू जो कुछ प्रूफ दिए हुए वो भी आपको बता दूंगा। बाकी ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर न तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी छोटे क्रिएटर का कितना पावर होता है इस वाले वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। चलो तो फ्रेंड, आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं आपको मनोज दे का प्रूफ दिखा दूंगा, सबसे पहले मैंने जो इंस्टाग्राम को ओपन कर दिया है, और मनोज दे का क्या कहना है इस बारे में जो उसका जो चैनल के ऊपर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मनोज दे का यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है, सबसे पहले इसका स्टोरी देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो उसका स्टोरी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक स्टोरी आपको जो यहाँ पे स्किप करके, कुछ लोग हैं इस वाली जो स्टोरी को आप जो ध्यान से सुनिएगा, जो कि टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, ठीक है, और बहुत सारे बंदों को जोड़ दिया है उस ग्रुप में, और वो लोग उससे रिपोर्ट मरवा रहा है मेरे चैनल पे, ठीक है, कि इस पे रिपोर्ट मारो, उस पे रिपोर्ट मारो, सारा खबर आ जा रहा है। क्योंकि उसी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं ना जो मेरे सपोर्टर हैं, उन लोगों की खबर तक नहीं है कानो कान, ठीक है, जो सारा खबर मेरे पास आ जा रहा है, सबका नंबर, सबका नाम, सबका एड्रेस, सब कुछ। अभी देखिए लिस्ट ही तैयार कर रहे थे अभी दोनों मिलके हम लोग, और जो जो बेटा खुला एकदम वीडियो में जो बोल रहा ना कि उसका चैनल को हम प्रमोट मैंने डिलीट करवाए हैं, हम रिपोर्ट करवाए हैं, रुक, लिस्ट एकदम तैयार है आज ही में। देख सकते हो भाई लोग, मनोज दे है जो कितना आग बगुला हो चुका है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी भी छोटे क्रिएटर के चैनल के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन देख सकते हैं कितना बड़ा यूट्यूबर होकर जो अभी इसको जो समझ आ रहा है कितना जो प्रॉब्लम आता है यूट्यूब चैनल चलाते समय। अभी देख सकते हैं इसके अभी भी कितना गुस्सा हो चुका है मनोज दे। अभी गया था और जो जो उस ग्रुप, ये देखो यहाँ पे जो देख सकते हैं ग्रुप में हमारे किसी क्रिएटर का जो ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मनोज दे ने नोटिस दिया हुआ है छोटे क्रिएटर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना है। तो जैसा कि कल रात में मैंने बोल के सोया था, गुड नाइट बोला था ना कि कल सुबह बताऊंगा, तो अभी फिलहाल मैं सुबह जल्दी उठा भी हूँ, ठीक है, ज्योति भी इधर रेडी हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा, अभी साइबर क्राइम ऑफिस में कल तो सारा लिस्ट मैंने कल ही रात में भेज दिया था, अभी सबके नंबर का आईपी एड्रेस के थ्रू सबका एड्रेस निकलेगा, ठीक है, आईपी एड्रेस मतलब आईपी से ही निकल जाएगा आपका एड्रेस, और आपके लोकल थाना जो आप जिस एरिया में रहते हो आपके ही थाने से आपको कॉल जाएगा आज, ठीक है। तो कोई अपना फ़ोन ऑफ मत करना, जो जो रिपोर्ट कर रहे थे जो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे सबको थाने से कॉल जाएगा, सबको थाना बुलाया जाएगा, अपने मम्मी या पापा पेरेंट्स के साथ थाना पहुंच जाना, ठीक, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको आगे ही समझ में आएगा जो थाने में जो बोला जाएगा, और जो जो बोल रहे ना कि कोई रूल नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता, सबको समझ में आएगा, ठीक है, अभी रुको, सबको पता चलेगा, फ़ोन जाएगा, फ़ोन ऑफ करोगे तो सीधे घर पहुँच जाएगा, इसलिए फ़ोन ऑन रखना, ठीक है। ये देख सकते हैं इतना जो यानी कि मनोज दे अभी जो इसका जो यूट्यूब चैनल है जो डिलीट होने की कगार पे है, इसलिए जो मनोज दे अभी बहुत ज़्यादा जो गुस्सा हो चुका है। ये जो हो चुका है किसी भी छोटे क्रिएटर को कम नहीं समझना चाहिए आप बड़े हो चुके हो तो, जैसे कि अभी समझ में आ रहा है मनोज दे को क्या होता है प्रॉब्लम। बाकी ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी किसी भी क्रिएटर को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देना है नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।